नमस्कार आदाब अकाल मैं हूं कपिल काटपाल स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज़ एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड अदर रिपोर्टेड सोर्सेज में आज है 17 अक्टूबर 2022 आज की हम खबरों का विश्लेषण का शुरुआत करते हैं और उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं अच्छे से फॉलो करते रहिएगा डेफिनेटली आप अपने करंट अफेयर सेक्शन में जो कि मीन्स एग्जाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट और एक चें गेम चेंजर माना जाता है उसमें आप 90 परसेंट से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं अगर आप मेरे सेशंस को डेली फॉलो करते हैं और उनको अच्छे से रिवाइज करते हैं तो Uh, तो जो भी नए स्टूडेंट्स आज जुड़े हैं तो सबसे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर कार्ड पर सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा जहां पर आपको मेरी सारी के सारी क्लासेस की अपडेट्स एंड पीडीएफ यहां पर मिल जाएंगी जस्ट सेकेंड वीडियो लाइक कर रहा है लेट मी सी ओके आई होप अब सही होगा सब so, कुछ लेट मी री चेक ओके आई थिंक इट्स फाइन राइट चलिए ओके सो आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में एंड uh, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट uh, इन्फॉर्मेशन अगर आप अपन अकेडमी पर जैब कैब की क्लासेस को देखना चाहते हो और सेवन डेज तक फ्री ट्रायल चाहते हैं तो इमीजिएट आपके लिए हमने एक सोल्यूशन प्रोवाइड करवाया है क्यू आर कोड का आप इस क्यू आर कोड को स्कैन कीजिए आप जिस तरह से लॉग इन करना चाहते हैं फ़ोन नंबर पर रजिस्टर वजिस्टर कीजिए और आप यहाँ पर एक कोड आपके पास होगा उससे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे जे आई वी सी आई बी के कोर्सेज़ में अगले सात दिन के लिए आपके लिए ट्रायल फ्री रहेगा ठीक है तो मैंने कुछ दिन पहले एक स्पेशल क्लास में ली थी जिसमें मैंने कहा था तो उस क्लास को ज्वाइन करने के बाद आपको यहाँ पर एनअकेडमी का सेवन डेज का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा ट्रायल का आ, उसमें आ, और इसमें सेम ही है इट्स जस्ट कि वो बैक एंड पे करना पड़ता है तो उसको दो तीन दिन लगेंगे आपके यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऐड होने में ये आपका तुरंत सब्सक्रिप्शन एक्टिव हो जाएगा तो आज ही कर लीजिएगा इसमें एनरोल ठीक है जैब कैब सब्सक्रिप्शन अगले सात दिन के लिए आप जो भी क्लासेस वहाँ पर रहेंगी उनमें से मेरी दो क्लासेस इस वीक में शेड्यूल्ड हैं इस वीक में मेरी दो क्लासेस हैं तो आप उन दोनों क्लासेस को भी देख पाएंगे जिनमें से एक क्लास तो आप पी मान के चलेगा उससे एडवांस लेवल के एम ही रहेंगे उसमें बैंकिंग अवेयरनेस के तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं तो आ जाइएगा स्कैन करके जस्ट फॉलो दी स्टेप्स एंड यू आर गुड टू गो एंड यू विल इमीजिएट गेट दी जैब कैब सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट सेवन डेज राइट पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं पहली न्यूज़ आपकी आई है ओडिशा के एक एमपी जिनका नाम है अपराजिता सारंगी इनको चुना गया है यहाँ पर आपका आईपीयू पैनल में आईपीयू क्या है आईपीयू है यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में यहाँ पर एज अ मेंबर यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कमेटी की ये चुनी गई हैं नाम है आपका अपराजिता सारंगी ये आपकी यहाँ पर एम हैं भुवनेश्वर से और हाँ नोटेबली दिस विल बी फर्स्ट टाइम 20 इयर्स 20 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पर इंडिया की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा इस इंटरनेशनल कमेटी में यह पहली बार हो रहा है पिछले 20 सालों में इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन यहां पर इसको लीड करते हैं हरिवंश जी जो कि डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के अब अपराजिता सारंगी हर्ष हरिवंश जी एंड सुस्मिता पात्रा जो हैं इन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया जिस मीटिंग पर यहां पर इनको यहां पर चुना गया है इनके लिए फेवर में आपके वोट्स पड़े और इनको यहां पर इसमें एज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल चुन लिया गया एक सौ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली थी मीटिंग हुई थी जो कि यहां पर

जिसमें हाल ही में इंडिया की तरफ से किसको चुना गया है राइट right आंसर अपराजिता सारंगी रहेंगे। अपराजिता सारंगी यहाँ पर कौन से जगह से यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये हैं आपके भुवनेश्वर की मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट अपराजिता सारंगी और, और ये इंटरनेशनल जो पार्लियामेंट्री यूनियन है ये यहाँ पर आपका इसमें इंडिया की तरफ से जो यहाँ पर डेलीगेशन है उसमें हरिवंश जी हैं और अपराजिता सारंगी तो हैं और सुस्मित पात्रा भी हैं जिनमें से अपराजिता सारंगी है जिनको इसका एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बनाया गया ये ऑलरेडी मेंबर है लेकिन इनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हेड जो मैनेज करती है पूरा गुरा उसका मेंबर यहाँ पर अपराजिता सारंगी को चुना गया है आई यहां पर पूरे दुनिया में जितने भी पार्लियामेंट्स हैं उनके पार्लियामेंट मेंबर हैं उनके यहां पर आपके डेलीगेशन्स वहां पर रहते हैं आपस आप में मिलकर काम करते हैं किस तरह से एक दूसरे के साथ आप यहां पर आपस आप में जो संधि है आपस आप में जो डेमोक्रेसी है वगैरह वगैरह सीख सकते हैं एक दूसरे के साथ जो समझौता कर सकते हैं वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ों पे यहाँ पर बातचीत होती है इस आई के माध्यम से इसके कितने मेंबर हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 178 मेंबर्स हैं इसके यहाँ पर और कहाँ पर मीटिंग हुई थी रवांडा में आपकी मीटिंग हुई थी जगह है किगाली किगाली रवांडा में ये मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई थी ठीक है ओके आ, सो ये आपकी इलेक्टेड टू आईपीयू पैनल अगली न्यूज पे चलते हैं के ने री अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द के जी मोहन करूर वाश्य बैंक ने री अपॉइंट किया है यहाँ पर आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के जी मोहन को अगले तीन सालों के लिए एक बार फिर से ओके okay, सो so इनका कार्यकाल कंप्लीट हो रहा था 11 अक्टूबर 2022 को और उसके बाद इनको कंटिन्यू किया गया है दैट इज द के करूर वायश्या बैंक ने क्या नाम रखा है क्या नाम है इनका के मोहन इनका नाम है ठीक है KVB, के करूर वाश्या बैंक के यहाँ पर अपॉइंट किए गए हैं री अपॉइंट किए हैं बेसिकली इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया गया है अगले तीन सालों के लिए ठीक है ओके अब आई होप नहीं होगी स्टार्ट करते हैं फिर से ओके लेट्स कंटिन्यू ये आपका कुछ बैंक से संबंधित कुछ हाल ही के अपॉइंटमेंट्स यहाँ पर जिनमें यहाँ पर तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक में यहाँ पर एमडी एंड सीईओ कृष्णन शंकर सुब्रमण्यम की जी को बनाया गया था सीएसबी बैंक का प्रलय मंडल को सीईओ बनाया गया है दिलीप एस बी यहाँ पर रीपॉइंट एनपीसीआई के एम डी सी और अनंत नारायण गोपाल कृष्ण अपॉइंट किए गए सेबी के होल टाइम मेंबर ये कुछ अपॉइंटमेंट बैंकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हाल ही के नेक्स्ट है आपका नए प्रेसिडेंट इराक में यहाँ पर चुने गए हैं नाम है इनका यहाँ पर आपका अब्दुल रातिफ राशीद के अब्दुल रातिफ रशीद इनका नाम है नए प्रेजिडेंट आपके आए हैं किसके इराक के काफ़ी टाइम से ये वहाँ पर ये मुद्दा चल रहा था चुने नहीं जा रहे थे लेकिन फिलहाल बना दिए गए हैं इराकी कुर्द बहरम सलेह इनको यहाँ पर रिप्लेस किया है और ये नाइन्थ प्रेसिडेंट बने हैं आपके इराक़ के नाइन्थ प्रेसिडेंट नाम क्या है अब्दुल रातिफ लातिफ राशिद इनका नाम है इराक की कैपिटल बगदाद है और वहाँ की करेंसी इराकी दिनार है और चलिए ये हाल ही में पापा न्यू बूना के भी नए प्रेसिडेंट बने थे जेम्स मरापे और जाओ मैनुअल कॉन्क्लेव लॉरेंस को भी प्रेजिडेंट ऑफ अंगोला हाल ही में चुना गया ये हाल ही में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट जो हुई हैं अलग अलग कंट्रीज़ की प्रेजिडेंट्स की राइट अगली न्यूज है आपकी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड तो यहाँ पर एक ये पिक्चर आप देख सकते हैं ये जो आप पिक्चर मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं इस पिक्चर को यहाँ पर एक अवॉर्ड मिला है और ये अवार्ड मिला है इनको <clears throat> नाम है इनका क्या नाम है इनका <sighs> नाम है इनका कैरन एंगनर कैरिन एंगनर इनका नाम है अमेरिकन फ़ोटोग्राफर है यहाँ पर आपका और हाल ही में अमेरिकन नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम ने अनाउंस किया इनके विनर्स को वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़र अवार्ड्स में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड्स एनुअली दिए जाते हैं यहाँ पर आपका और ये अवार्ड सेरेमनी लंदन में आयोजित की गई जिसमें कैरिन एगनर को यहाँ पर अवार्ड दिया गया उनके फोटोग्राफर ऑफ द ईयर और उनकी इमेज का नाम था द बिग बज़ बिग बज़ इनकी इमेज का नाम था और ये पाँचवीं महिला बनी है अट्ठावन साल की हिस्ट्री में जब से यहाँ पर वाइल्ड फोटोग्राफ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड दिए जा रहे हैं उसमें यहाँ पर पाँचवीं बार ये महिला बनी है जो कि इस कंपटीशन में पा 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 पार्टिसिपेट किया है और ये दिया जाता है एन लंदन दैट इज नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन के द्वारा एवरी ईयर अवार्ड दिया जाता है एग्जाम पॉइंट से कैरिन एग्नर का नाम याद रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट है कैरिन एग्नर का नाम पिक्चर का नाम क्या है द बिग बस पिक्चर का नाम है यहाँ पर आपका एंड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड यूएसए की है ये नाम है कैरिन एग्नर राइट mm -hmm. चलिए वर्ल्ड फ़ोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ऑब्ज़र्व किया जाता है और मैं अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की बात करूं तो ये यहाँ पर इसका क्वार्टर जो है न्यूयॉर्क सिटी में है और वर्ल्ड फ़ोटोग्राफी डे 19 अगस्त को हाल ही में ऑब्ज़र्व किया गया था जिस दिन पहली बार एक पिक्चर यहाँ पर देखने को मिली थी फर्स्टर फोटोग्राफिक प्रोसेस जो था वो इनिशिएट हुआ था अगली न्यूज़ है सीबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा हाल ही में रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है कॉमोडिटी डेरिवेटिव एडवाइजरी पैनल को सो सेबी रीजिक्स एडवाइजरी पैनल ऑन कॉमोडिटी डेरिवेटिव्स को यहाँ पर आपका चेंजेस किए गए हैं कुछ इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं कमेटी पुरानी है बट वो कमेटी के जो मेम्बर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं उनमें जो चेंजेस किए गए हैं उनमें है यहाँ पर आपका एग्जामिस्स इश्यूज़ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन एंड न्यू प्रोडक्ट इन सेगमेंट रिलेटेड टू डिलीवरी मैकेनिज्म एंड वेयर हाउसेज सो बेसिकली ये डिलीवरी मैकेनिज्म वेयर हाउसेज या फिर ये शब्द जो यहाँ पर लिखा होगा आपको कॉन्ट्रैक्ट uh, ये शब्द आखिरकार क्या है अगर आपने डेरिवेटिव सेगमेंट मेरे से कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है डेरीवेटि दैट इज़ द फ्यूचर फॉरवर्ड पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन तो ये डेरीवेटिव से संबंधित ही एक कमेटी है और डेरीवेटिवस जो होते हैं उन्हीं में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपस में जो फ्यूचर के हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं यहाँ पर आपका डिलीवरी मैकेनिज्म जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है यानी कि तीन महीने का आपने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है पुट कॉल ऑप्शन जो लास्ट डे है उस दिन आपको यहाँ पर सेटलमेंट एक दूसरे के साथ करनी है तो उस दिन को यहाँ पर आपका डिलीवरी कहा जाता है उस वक्त को या फिर उस फंडे को यहाँ पर डिलीवरी कहा जाता है और वेयर वेयरहाउसेज यानी कि अगर आप फिजिकल डिलीवरी देना चाहते हैं किसी को एक होता है कि चल प्रॉफ़िट लॉस की डिलीवरी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लिया आपको प्रॉफिट कितना हो उसकी बात लेकिन वाकई में अगर आप आज की डेट में आपने एग्रीमेंट कर लिया और तीन महीने का बाद फ्यूचर एग्रीमेंट कर लिया तो तीन महीने बाद आपको डिलीवरी तो उसको फिजिकल मोड में देनी पड़ेगी मान लीजिए वीट का किया या किसी भी चीज़ का किया तो उसके लिए वेयर वेयरहाउसेज़ तो उसेज स्टोरेज के लिए यहां पर तो ये सारे सारे सेगमेंट आपका डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ फॉरवर्ड फ्यूचर कुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन से जुड़ा हुआ फ्यूचर एंड ऑप्शन जिसको कहते हैं एफ एंड ओ तो ये इससे रिलेटेड एक कमेटी यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूट की गई है ये कमेटी पहले भी थी कोई नई कमेटी नहीं बनाई गई है इसमें यहाँ पर फिलहाल क्या किया गया है इसमें फिलहाल 16 मेंबर्स आ चुके हैं इसमें अब 17 की जगह पर पहले 16 थे अब 17 हो चुके हैं और ये यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे अशोक दलवानी जो है इसको कंटिन्यू करेंगे चेयर करना मतलब पहले भी यही थे अब भी यही रहेंगे आपके एंड अदर मेबर्स ऑफ पैनल इंक्लूड एन एस सी के एम डी एन सी ओ आशीष चौहान चीफ ऑफ एन सी डी एक्स के अरुण रास्ते एन एम सी एक्स के एम डी एन सी ओ पी एस रेड्डी ये भी यहाँ पर इसके रहेंगे अदर मेम्बर सो सोलह मेंबर्स इंस्टीट्यूट ऑफ सत्रह अशोक दलवानी एंड अदर मेम्बर्स आदि आशीष चौहान अरुण रास्ते एंड दी एस रेड्डी खैर ये नाम इम्पॉर्टेंट है बाकी नाम तो कितने नाम याद रखू सोलह मेंबर इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सोलह मेंबर्स के नाम याद रख पाओ सो दैट इज दी रिक्सोडिटिव एडवाइजरी पैनल ठीक है ओके okay. चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं आ, इसके अलावा हाल ही में हमने ये मैंने ऑलरेडी खैर न्यूज आपको पढ़ा रखी है एक 20 मेंबर की कमेटी का डिजाइन किया गया था अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट स्पेस के लिए यहाँ पर पर्पज से कुछ दिन पहले जिसको चेयर कर रहे हैं आपके एन आर नारायण मूर्ति जी ठीक है ये भी आपका सेबी के द्वारा हाल ही में कमेटी इसको डिजाइन किया गया था राइट चलो ये से आई थिंक कुछ और ही आ गया चलिए माँ भारती के सपूत वेबसाइट एक लॉन्च की गई है ठीक है माँ भारती के सपूत अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका माँ भारती के सपूत डॉट एम ओ डी डॉट जी ओ वी डॉट इन इस वेबसाइट की यहाँ पर शुरुआत की गई है ये वेबसाइट बेसिकली बनाई गई है उन यहाँ पर आ, फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पर मदद पहुँचाने के लिए जिनके जो पर्सन uh, है जो जिन जो आर्मी में थे अब वो शहीद हो चुके हैं और इनकी फैमिली मेंबर्स को यहाँ पर सहायता पहुँचाना मदद पहुँचाना मोनिट्री टर्म्स में यहाँ पर उसके लिए महाभारती के सपूत नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है महाभारती के सपूत वेबसाइट आर्म फोर्सेज बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड ड्यूरिंग अ फंक्शन एट नेशनल वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली में ये फंक्शन हुआ था आपका आयोजित और इसमें यहां पर माँ भारती के सपूत नाम की यहां पर वेबसाइट को लॉन्च किया गया है ठीक है ओके सो ये आपका लॉन्च किया गया है माँ भारती के सपूत है ये एक ए बी आर्मड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टी वेलफेयर फंड ने यहां पर इसका डिजाइन किया इस पर्पज से और ये जो है ये ट्राई सर्विस फंड है ट्राई सर्विस फंड मतलब कि तीनों सर्विस आर्मी एयरफोर्स एंड दी नेवी के लिए यूटिलाइज किया जाता है फंडिंग देने के लिए टू द नेक्स्ट ऑफ किन नेक्स्ट ऑफ किन मतलब उनके जो नेक्स्ट हैं जो शहीद हुआ है इंसान उसके पति पत्नी हुई या फिर उसका कोई बच्चे हुए या फिर पत्नी हुई तो पति एंड ऑल जो भी उनके क्लोज़ रिलेटिव आपके डिपेंडेंट्स हैं उनके यहाँ पर आपके बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन जो है इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं वेबसाइट लॉन्च की गई हैं टू फैसिलिटेट पेट्रोटिक इंडियंस टू पार्टर इन दिस नोबल कोस्ट मतलब आप भी यहाँ पर अपना जाकर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं ओके सो एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन महाभारती के सपूत ये क्या पर्पज़ क्या है इसका पर्पज़ या फिर कौन सी एसोसिएशन से जुड़ा है आर्म फोर्सेज बैटल कैजुअलिटी वेलफेयर फंड से जुड़ा हुआ है पहला क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं ये तो ये नाम याद रख लीजिएगा ये फंडिंग हेल्प प्रोवाइड कराता है मॉनिटरी टर्म्स में कौन है इसके गुडविल एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी इसके गुडविल एम्बेसडर बनाए गए हैं एंड uh, एक मीटिंग हुई जहाँ पर एक फंक्शन uh, हुआ न्यू दिल्ली में जहाँ पर इसका आयोजन और अनाउंसमेंट इसकी की गई थी ठीक है ओके चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं एंड uh, एक एम यू साइन किया गया है ओके okay. सो so, आज मैं थोड़ा सा आ, अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा हूँ आई नो दैट है ना so, मेरी तबीयत सही नहीं आई आई एम हैविंग अ फीवर और बॉडी पूरा पेन कर रहा है तो आज एक दिन जैसे तैसे करके बी कर लीजिए और बोला जैसे भी पढ़ा रहा हूँ है ना पढ़ा रहा हूँ बस इतना है मुझे भी पता है मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा uh, एक दिन तो चल सकता है ना उम्मीद करता हूँ रात तक ठीक हो जाऊँगा मैं राइट ठीक है एम ओ यू टू ट्रेन अप स्किल एंड री स्किल आर्म फोर्सेज इंडियन नेवी एंड आई आई एम नागपुर ने साइन किया एम ओ यू टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेन अप स्किल एंड री स्किल आर्म फोर्सेज पर्सनल मतलब कि आर्म फोर्सेज के पर्सनल और इंडियन नेवी के पर्सनल को यहाँ पर आपका बिजनेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी सो बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ब्लॉक चैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब ये सारी सारे मैनेजमेंट से जुड़ी हुई जो स्किल्स हैं ये यहाँ पर आर्म फोर्सेस एंड इंडियन नेवी के पर्सनल को यहाँ पर ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से एक आईएएम नागपुर ने इंडियन नेवी के साथ एग्रीमेंट किया है सो so, आई नागपुर ने इंडियन नेवी के साथ ये एग्रीमेंट किया है ये याद रख लेना आई नागपुर एंड इंडियन नेवी दिस विल फैसिलिटेट करियर एनहैंसमेंट प्रोग्रेशन ऑफ द सर्विंग एम्प्लॉय और रिटायर एम्प्लॉय जब वो रिटायर हो जाएंगे या फिर अभी जो सर्व कर रहे हैं उन दोनों एम्प्लॉयज़ की मदद के लिए यहाँ पर उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए एक्स्ट्रा स्किल्स देने के लिए ताकि वो अब अगर इंटरनली आगे प्रमोट होना चाहते हैं तो वो काम कर सके क्योंकि ऑब्वियस हर एक चाहे वो इंडियन डिफेंस सेगमेंट ही क्यों ना हो हर एक जगह भी मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है सो so, इंडियन नेवी इज द ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेज पता ही आप सबको और प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कमांडर होते हैं तो एग्जाम पॉइंट से यही क्वेश्चन आएगा इंडियन नेवी ने, ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया आई नागपुर के साथ एग्रीमेंट साइन किया है राइट चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे 14 अक्टूबर को इंपॉर्टेंट डे देख कर ये मत समझना आज का सेशन एंड हो गया वो बीच में लगे हुए हैं वर्ल्ड स्टैंडर्ड डेज मार्क डाउन दी ए फोर्टी अक्टूबर को ये आपका होता है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे थीम है इस बार की शेयर्ड विजन फॉर अ बेटर वर्ल्ड ओके सो दिस इज द थीम ऑफ टू शेयर्ड विजन ऑफ द बेटर वर्ल्ड दैट इज दर्ल्ड स्टैंडर्स डे ठीक है वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे चौदह अक्टूबर दो इंटरनेशनल ई वेस्ट डे चौदह अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिफ्लेक्ट द इंपैक्ट्स ऑफ ई वेस्ट किस तरह से यहां पर इंपैक्ट डाल रहा है और इस बार ई वेस्ट डे दो हजार बाईस विल बी फोकसिंग ऑन स्लोगन क्या है स्लोगन रीसाइकल इट ऑल नो मैटर स्मॉल ओके सो इट्स अ गुड स्लोगन इट ऑल नो मैटर स्मॉल ओके अच्छी थीम है इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल अपना कंट्रीब्यूशन दे दिए आपको क्यों आपको लगता है कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है वही बात होगी अगर आपने डोनेशन देनी है तो एक रुपये की डोनेशन भी बहुत अहम रखती है क्योंकि एक एक रुपये करके ही तो डोनेशन इकट्ठी होगी है ना हम लोग सोचते हैं पाँच रुपये डोनेट करें नहीं मैं तो तब दूंगा जब मेरे पास पाँच सौ होगा पाँच रुपये से भी काफ़ी फर्क पड़ता है है ना राइट चलिए इट ऑल नो मैटर हाउ स्मॉल इट्स अ थीम एंड वर्ल्ड साइट डे तेरह अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है आंखों से जुड़ी हुई आंखों ही आंखों में उनसे हमसे बातें हो गई आंखों ही आंखों में उनसे हमारी बातें हो गई वो कुछ कह ना सके लेकिन हम उनकी दिल की बातें हमने उनकी दिल की बातें सुन ही ली आंखों ही आंखों में उनसे बातें हो गई आंखों ही आंखों में उनसे बातें हो गई वो कुछ कह ना सके वो कुछ कह ना सके लेकिन हमने उनके दिल की आवाज़ सुन ही ली और उसके बाद हमारी शादी हो गई और शादी के बाद बच्चा भी हो गया अब जब उनसे हमारी आंखों से आंखें मिलती हैं तो दिल की आवाज़ छोड़ो वो तो, तो बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है वर्ल्ड साइड डे एवरी ईयर सेकेंड थर्सडे को होता है है ना वैसे कुछ बना नहीं लेकिन चलो कोशिश की थी सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को कई बार बढ़िया चीज निकल जाती है है ना सेकेंड थर्सडे अक्टूबर टू रेज अवेयरनेस अबाउट विजन एम्पेयरमेंट विजन केयर एंड अदर इश्यूज रिलेटेड टू द आई ओके सो ये है आपका सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर दैट इज दी वर्ल्ड साइट डे तेरह अक्टूबर को ओके okay, थीम है पिछली बार की ही जो थीम थी इस बार भी वही है थीम लव योर आइज तुम्हारी आंखों से हम प्यार कर बैठे तुम्हारी आंखों से हम प्यार कर बैठे हमें क्या पता था कि शादी के बाद ये आंखों का प्यार हमारे शरीर के दर्द से जुड़ जाएगा है ना रोज़ पिटाई होगी तो शरीर में दर्द हो गई है ना बेलन से कुटेंगे CIL साइंस विद यू विध भेल आईओसीएल ओके सो यहां पर कोल इंडिया लिमिटेड ने साइन किया तीन एमओयू तीन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के साथ दैट इज़ भारत अंडरटेकिंग इलेक्ट्रिक लिमिटेड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड गेल इंडिया लिमिटेड के साथ सो so तीनों के साथ ही एग्रीमेंट साइन किया है इन्होंने भेल मैं तो रस्ते से जा रहा था मैं तो भेल पूरी खा रहा था ओके सो भेल आई एंड द गेल ओके भेल आई ओ सी एल एंड देल तीन के साथ एग्रीमेंट साइन किया किसने साइन किया है कोल इंडिया लिमिटेड ने चार सरफेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे चार ओके okay, ये चार सेटअप किए जाएंगे कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये वेस्ट बंगाल ओडिशा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और तमिलनाडु में रहेंगे अरे ऊपर लिखा चार नीचे स्टेट दे दिए पांच ये क्या चक्कर है चलो होगा कुछ ना कुछ एट एन एग्रीगेटेड एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ पैंतीस हज़ार ओके पैंतीस हजार करोड़ की लागत से यहाँ पर ये सेटअप किया जाएगा ठीक है इफ़ एनी वन प्लान टू टेक एन अकेडमी कोर्स आई वॉन्ट टू ज्वाइन मेरे को चाहिए यार मेरा मेरे खत्म हो गया एक्सपायरी हो गया मेरा मेरे को मैसेज मेरे को मेल डालो मैं देता हूँ है ना करते हैं शेयरिंग करते हैं बढ़िया से करते हैं ना मेरे साथ चार जने और हैं करने वाले तो चार में पाँच में छः हो जाएंगे बढ़िया तो हज़ार हज़ार रुपये हिस्से में आएंगे बढ़िया ज्वाइन हो जाएगा ना हज़ार रुपये में बढ़िया तैयारी हो जाएगी फिर उनमें से कोई एक अपनी यूज़र आई पासवर्ड लेके भाग जाएगा अपना है ना फिर अपने उनको ढूंढने के चक्कर में काफ़ी दिन लग लगे रहेंगे फिर इतने दिन में प्रीलिम्स एग्जाम ही निकल जाएंगे फिर सोचेंगे चलो अगले साल कर लेंगे है ना फिर अगले साल भी आप ऐसा ढूंढते रहोगे फिर ऐसा कोई भाग दें फिर तीन चार साल निकल जाएंगे करते करते और फिर छोड़ देंगे क्या करनी है बैंक की तैयारी टीचर्स ही बेकार थे सारे के सारे है ना उन्होंने कुछ करवाया तो है नहीं ना मेरे पास प्लस सब्सक्रिप्शन भी थी पांच छह दिन में पढ़ा उसके बाद मेरा मन नहीं किया वगैरह वगैरह है ना फोर सर्फेस कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट अंडर द दिनिस्ट्री ऑफ कोल इन एडिशन एनएलसी इंडिया लिमिटेड विल बी साइनिंग अनदर विद यू भेल ओके सो यहाँ पर आपका साइन uh, करेगा अनदर एमओ यू भेल के साथ एक और एमओ यू यहां पर एनएलसी इंडिया लिमिटेड साइन करने वाला है

पाँच गोल कैसेफिकेशन प्लांट्स को यहाँ पर 100 मिलियन मेट्रिक टन कोल कैसेविकेशन 2030 तक राइट ये बाकी स्टैटिक फैक्ट और रिसेंट अवार्ड है चलो आगे चलते हैं हम अगली न्यूज आई है टेक्सटाइल कमेटी एंड दूनप ने साइन किया है कोऑपरेशन एग्रीमेंट सो यहाँ पर टेक्सटाइल कमेटी ने साइन किया कोऑपरेशन एग्रीमेंट किसके साथ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ तो ये यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम जो है इसने टेक्सटाइल कमेटी के साथ एग्रीमेंट साइन किया तो इसके साथ क्या हुआ टेक्सटाइल कमेटी जो कि टेक्सटाइल बनाती है वो कहीं पर भी अगर आग लग जाएगी तो उसके लिए जो कपड़ा होता है हम कंबल देखते हैं ना आग लग जाती है कंबल ओढ़ते हैं आग बुझ जाती है तो उसके लिए टेक्सटाइल कमेटी यहाँ पर कंबल की एक फैक्ट्री लगाएगी और कंबल प्रोवाइड कराएगी किसको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को ताकि जो जहाँ भी आग वाग लगे वहाँ पर कंबल डाल के उसको बुझाया जा सके ताकि इन्वायरमेंट में जो धुआं है वो कम हो सके ठीक है तो ये यह चीज़ यहाँ पर टेक्सटाइल कमेटी ने एक एग्रीमेंट साइन किया है है ना एन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को यहाँ पर कम करने के लिए राइट ग्लोबल टेक्सटाइल कमेटी जो है इंडस्ट्री जो है वो एक पॉइंट बीस बिलियन टन ऑफ सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड जो है एवरी ईयर एवरी ईयर यहाँ पर एमिट होता है भाई साहब और एवरी सेकेंड जो है जब मैं बोल रहा हूँ मतलब इतनी देर में पाँच सेकेंड हो चुके हैं इतनी देर में पाँच एक गार्बेज ट्रक ऑफ टेक्सटाइल जो है वो जला दिया जा रहा है या उसको लैंड फील्ड मतलब लैंड पे आपका फेंक दिया जा रहा है गारबेज को टेक्सटाइल के जो कपड़ों का एक वेस्ट कपड़े होते हैं उनकी बात कर रहे हैं एग्रीमेंट uh, आ जाएगा यार ट्वेंटी परसेंट भी आ जाएगा वेट कर ले साइन ड्यूरिंग द नेशनल लेवल वन डे स्टेक होल्डर कंसल्टेटिव कमेटी ऑन सस्टेनेबिलिटी इन द टेक्सटाइल वैल्यूज इन इंडिया को मेमोरेट वर्ल्ड कॉटन डे सात अक्टूबर को होता है हाल ही में इसको भी यहाँ पर आयोजित किया गया था इस एग्रीमेंट को इस मौके पर आपका साइन किया गया था तो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से क्वेश्चन टेक्सटाइल कमेटी किसके साथ एग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के साथ एग्रीमेंट ये साइन किया गया है एक पॉइंट बीस बिलियन टनस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एमिट होती है एवरी ईयर और एवरी सेकेंड एक गार्बेज ट्रक उसको यहाँ पर कम करने के लिए टाटा पावर ने एग्रीमेंट किया है 75S 75F स्मार्ट के साथ 75f स्मार्ट इनोवेशन इंडिया टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी ने यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी ने 75f स्मार्ट इनोवेशन इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ऑटोमेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन इन द कमर्शियल बिल्डिंग स्पेस सो कमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पर बनाते हैं जो आपकी उसमें यहां पर आपका एग्रीमेंट साइन किया उसके लिए एग्रीमेंट साइन किया है आपका किसके साथ सेवेंटी फाइव एफ और टाटा पावर ट्रेडिंग कंपनी ने दोनों ने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है ओके चलो अगली खबर सी आई एल फिर से आ चुका है को, कोल इंडिया लिमिटेड ने यहां पर सेटअप करने का फैसला किया राजस्थान में एक यहां पर सोलर प्रोजेक्ट को विद्युत उत्पादन राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड सो राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड ने यहाँ पर आपका सोलर पावर प्रोजेक्ट ग्यारह सौ नब्बे मेगावोट का कहाँ पर करेगा जयपुर में करेगा ये एग्रीमेंट ठीक है जयपुर में साइन करेंगे से सेटअप करेंगे गूगल क्लाउड टू पार्टनर विद द पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स ओके सो यहाँ पर गूगल क्लाउड जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप करने जा रहा है पब्लिक सेक्टर फॉर्म्स के साथ ओके गूगल क्लाउड हैज़ अनाउंस एंड एम्पावरमेंट एम्पेनलमेंट बाई द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोजी बिज़ अलाउज टू अप्लाई क्लाउड टेक्नोलॉजी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो मीति ने गूगल आयोग गूगल आयोग के साथ गूगल क्लाउड के साथ यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया है और जिसके तहत क्लाउड टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर सेटअप की जाएगी यार ये पहले कर ली ये न्यूज व्यूजिन करी तो थी हमने वाली ना, है ना क्लाउड टेक्नोलॉजी गूगल क्लाउड मीति के साथ टाइपअप है ना ये जो टाइप है वे है प्रोजेक्ट मेघराज को यहाँ पर आपका और बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट मेघराज जो है आ, वो यहाँ पर उसको जी आई क्लाउड भी कहा जाता है एक नया प्रोजेक्ट है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिसके तहत क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद यहाँ पर क्लाउड्स क्लाउड्स बादल है ना कभी जो बादल बरसे है ना वही है ये बादल इन बादलों में यहाँ पर पानी की बजाय डाटा स्टोर करके रखा जाता है बस बात फर्क इतना है जो आसमान के बादल होते हैं उसमें पानी रहता है और जो ये वाला बादल है गूगल क्लाउड इसमें स्टोरेज रहती है इसमें आप कोई डाटा अपना स्टोर कर सकते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो गूगल क्लाउड के साथ टाइपअप करके तो अपना डाटा वाटा ये यहाँ पर क्लाउड में रखेंगे स्टोरेज uh, के लिए है पर्पज आपका यहाँ पर एंड दी वुड एंश्योर ऑप्टीमेट यूटिलाइजेशन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पीड ऑफ द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ ई गवर्नेंस एप्लीकेशन इट विल वल्सो हेल्प इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोक्योर आई सी टी सर्विसेज ऑन डिमांड द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है वो यहाँ पर क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करा रहा है so, कौन प्रोवाइड करा रहा है एन आई सी एन आई सी यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है ये सर्विस मेघराज के तहत गूगल क्लाउड याद रख लेना गूगल क्लाउड चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं सुपर सेवर रुक जा भाई दो तीन दिन बढ़िया वाला सुपर सेवर दूंगा तेरे को मैं और सस्ता सुपर से भर देंगे तेरे को बस दो तीन दिन रुक जाओ चलो ये न्यूज अगली न्यूज पढ़ो यार मैं दो मिनट ये न्यूज खुद से पढ़ो मैं फिर अगली मैं कराता ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा आपके एग्जाम में ये वाली न्यूज़ आने वाली है ठीक है अच्छे से याद करना इस न्यूज़ को बढ़िया न्यूज़ है ये वाला ठीक है पिन कोड के बारे में पूछ सकते हैं गॉट इट चलो आगे चलते हैं इन्फ्रास्टर्स टू डाटा सेंटर्स ओवर फाइव मेगावोट कैपेसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस डाटा सेंटर्स के लिए प्रोवाइड कराया है डेट आर सिचुएटेड इन अ डेडिकेटेड और सेंट्रलाइज बिल्डिंग फॉर स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग और डिजिटल डाटा एप्लीकेशन विद मोर देन फाइव मेगावोट कैपेसिटी ऑफ आई लोड आई लोड का मतलब क्या आई टी लोड का अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सर्वर्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है ठीक है सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया डाटा सेंटर्स को जिनकी कैपेसिटी पाँच मेगावाट से ऊपर होगी पाँच मेगावाट कैपेसिटी होगी जिनकी आई लोड की उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा ठीक है बस इतना ही है इसमें कितनों को प्रोवाइड किया जाएगा जाए जिनकी पांच मेगावाट से ऊपर की आईटी लोड होगा आईटी लोड क्या होता है ये रहा आईटी लोड सर्च एंड पावर सी एस आई आर टी ने कंडक्ट किया पावर एक्स 2022 को सर कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने कोलाबोशन किया है पावर एस सी एस आई आर टी के साथ डिजाइन एंड कंडक्ट किया साइबर सिक्योरिटी एक्सेस पावर एक्स फॉर दी 193 नाइनटी इन्वाइटेड पावर सेक्टर यूटिलिटीज ओके okay. सो so यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर किया वन ऑब्जेक्टिव है इसका बेसिकली रिकोगनाइज करना एनालाइज करना रिस्पॉन्ड करना साइबर इन आई एंड दी ओ सिस्टम के लिए सो so ये चीज़ आपकी की गई है और थीम है इस बार की डिफेंडिंग साइबर इंड्यूस्ड डिसरप्शन इन आई टी एंड ओ टी इंफ्रास्ट्रक्चर ओके सो ये इसकी इस बार की थीम है थीम है कोलेब्रेशन किसका है सर्ट इन एंड पावर सी एस आई आर टी का कंडक्ट किया है पावर एक्स दो हजार बाईस ओके पावर एक्स साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है, एक है. किससे जुड़ी हुई साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी ओके ठीक okay, है थीम याद रख लेना होस्ट किया था सर्ट इन इसको ओके okay, ठीक है प्रोजेक्ट मौसम लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है ये पुराना ही प्रोजेक्ट है लेकिन हाल ही में इससे संबंधित एक दो दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी न्यू दिल्ली में ओके सो उस मौके पर यहाँ पर इसको दोबारा से यहाँ पर देखा गया कुछ अपडेशन की गई और ये यहाँ पर प्रोजेक्ट मौसम मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा यहाँ पर एट दुनेस्को थर्टी एट वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग दोहा कतर में जो हुई थी वहाँ पर आयोजित किया गया था 2014 में ओके okay, सो so, तब ये अनाउंस किया गया था और अब जाकर इसकी एक और मीटिंग यहाँ पर आयोजित की गई है दो दिन की नेशनल कॉन्फ्रेंस एट दी न्यू दिल्ली में यहाँ पर आयोजन हुआ है और सो कंटली यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इसको मैनेज कर रहा है इसको एडमिनिस्टर कर रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओके okay, चलो अगली न्यूज पर चलते हैं मैं फिर से कहूँगा मैं पूरा हंड्रेड परसेंट नहीं दे रहा आई नो दैट ठीक है प्लीज वियर कर लो यार है ना लेकिन फिर भी पूरी न्यूज़ को पढ़ाने की कोशिश एटलीस्ट करूंगा ताकि कुछ तो आपके दिमाग में ऐसा न लगे कि हाँ कुछ पढ़ाया नहीं पढ़ा रहा हूँ उस लेवल पे डिटेल में समझा नहीं पा रहा हूँ मैं एनर्जी नहीं है है ना सो नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटी लिमिटेड ने एक्वायर किया 5.6 परसेंट स्टेक इन द डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओके ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ये यहाँ पर एन एस के द्वारा एक्वायर किया गया फाइव परसेंट स्टेक इन ओ कितने अमाउंट में 10 करोड़ में सो so, एन ने ओ में 5.6 परसेंट स्टेक हासिल कर लिया है 10 करोड़ का राइट पाँच पॉइंट और ओ जो है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इसको प्रमोट किया गया मतलब इसके द्वारा बनाई गई इसके द्वारा स्टार्ट की गई थी इनिशिएट किया गया था प्रमोटर प्रमोटर प्रमोटेड मतलब प्रमोशन वो नेक्स्ट लेवल पर पहुँचने का नहीं प्रमोटेड का यहाँ पर मतलब इसने स्टार्ट किया था इसको Uh, अगली न्यूज़ है गोवा को यहाँ पर मिला है अपना पहला सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी सो so, वर्थ रुपीज़ फोर करोड़ रुपीज़ की यहाँ पर गोवा को पहली सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड फेरी बोट मिली है जिसको लॉन्च किया गया था हाल ही में पंजी में जो कि कैपिटल है आपकी गोवा की एंड इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटर वेज सर्वानंद सोनोवाल जी ने इसको लॉन्च किया दैट इज सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी एंड द फ्लोटिंग जेटी दो किए हैं आपने फ्लोटिंग जेटी दोनों प्रोजेक्ट्स को दोनों प्रोजेक्ट्स यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने के लिए किया गया है इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एंड जेटी प्रोजेक्ट एंड देन प्रोसीडेड टू बोर्ड दी सोलर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड हाई स्पीड फेरी इसको फंड किया है इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया ने फंडेड बाई इनलैंड वाटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया द थ्री जेट इज कमीशन वर बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ नाइन पॉइंट सिक्स करोड़ नाइन पॉइंट सिक्स करोड़ की लागत से यहाँ पर इसको इनलैंड वाटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पर बनाया गया है ठीक है सो so ये आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कम करना फॉसिल फ्यूल्स जो कि आपके फ्यूल्स के ऊपर यहाँ पर आपका डिपेंड करता है ठीक है उनको यहाँ पर कम करना है, एनर्जी को बचाना है यहाँ पर आपका और ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी फंडिंग दी गई है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर जो इंडिया में वाटरवेज हैं यानी कि पानी के रास्ते जो हैं यानी कि हाईवेज जैसे होते हैं रोड हाईवेज वैसे ही पानी में भी हाईवेज़ होते हैं उनको वाटरवेज़ कहते हैं तो वो यहाँ पर आपका सारा का सारा बनाती है इसका हेडक्वार्टर जो है नोएडा यूपी में स्थित है सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी परम कमरूपा सो कम कर, परम कमरूपा यहाँ पर इनाइग्रेट किया गया हाल ही में सुपर कंप्यूटर एक फैसिलिटी एक नया सुपर कंप्यूटर आया है और ये नया सुपर कंप्यूटर फिलहाल कहाँ पर आया है आई आई गुवाहाटी में ऑलरेडी इससे संबंधित क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पिछले कुछ एग्ज़ाम में किसी एक एग्ज़ाम में आया था जिसमें शायद परम गंगा के बारे में पूछा था मुझे नाम याद नहीं कुछ ऐसा आया तो था न्यूज़ यहाँ पर, पर परम गंगा या परम सिद्धि के नाम पर ये आए न आए दिन यहाँ पर अलग अलग आई आई में यहाँ पर सुपर कंप्यूटर एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं और उसी सीरीज़ में यहाँ पर परम कमरूपा यहाँ पर आपका आई आई टी में सेटअप किया गया है शी ऑल्सो इनिग्रेटेड समीर हाई पावर्ड एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स लेबोरेटरी एट आई आई गुवाहाटी में ओके वन ऑफ द सुपर कंप्यूटर है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का और एज ऑफ नाउ जो इंडिया का यहाँ पर परम सिद्धि है जो ये सबसे सुपर फास्टेस्ट कंप्यूटर है यहाँ पर आपका परम शिवाय जो है फर्स्ट सुपर कंप्यूटर सेम्बल था जो इंडिया में आई आई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टेब्लिश किया गया था और फ्रंटियर ऑफ यू से जो है वो यहाँ पर सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है आपका पूरी दुनिया का उसके बाद जापान का फुगाकू है राइट right, ओके okay. मेघालय होस्ट करने जा रहा है मेघा कायक फेस्टिवल सो so, मेघा कायक यहाँ पर काइकिंग एक यहाँ पर इवेंट्स हैं काइकिंग जो रोविंग वाला होता है काइकिंग एक स्पोर्ट्स होता है बेसिकली आपने देखा होगा इसको नहीं देखा तो थोड़ा गूगल कर ना काइकिंग लिखना पता लग जाएगा कौन से इवेंट की बात करो जैसे देखोगे समझ में आ जाएगा सो वाइट वाटर काइकिंग इवेंट्स तीन कंपटीशन कैटेगरी में होगा डाउन रिवर टाइम ट्रायल एक्सट्रीम सेलुलम एंड द डाउन रिवर फ्री स्टाइल ये तीनों कैटेगरीज में यहाँ पर आयोजित किया जाएगा दिस इवेंट इज बींग ऑर्गेइज बाय द मेघालय टूरिज्म के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट काइकिंग इवेंट्स इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट मेघालय में आयोजित किया गया मेघा कायक फेस्टिवल सो पार्टिसिपेंट्स अलग अलग बीस कंट्री से यहाँ पर आए हैं ओके सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे सेशन ओके सॉरी फॉर दिस उल्टा पुलटा जीप सा सेशन बाकी ये मैंने आपको बताया था अगर किसी को जैब कैब की सब्सक्रिप्शन तुरंत चाहिए ठीक है तुरंत जितने भी लोगों ने उन्होंने स्पेशल क्लास देखी थी वो वेट कर रहे होंगे सर हमारा एक्टिव हो जा होगा कब होगा तो आप सबको यही सलाह है मेरी कि आप इस क्यू आर कोड को, को स्कैन कर लेना इमीजिएट एक्टिव हो जाएगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा दो चार दिन लगेंगे तो ये इमीजिएट एक्टिव हो जाएगा मेरी क्लासेज दो दो क्लासेस वीक शेड्यूल्ड हैं जैब कैब में तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो अगर आपके पास ट्रायल होगा तो इस प्रोसेस इस सर्वे के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हो इसको ज्वाइन ठीक है ओके कर लेना सारे के सारे सात दिन के सब्सक्रिप्शन ले ना एटलीस्ट आपको आइडिया होगा कि आपको फ्यूचर में पढ़ना क्या है और आपको सब्सक्रिप्शन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए या आपके जो दोस्त हैं जो बैंक एग्ज़ाम का जो अब क्लियर कर चुके हैं जैब कैब के उनको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो पढ़ाई करनी है उनको पूरी बेसिक से उनके लिए है चलो खुफिया क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ आगे क्वेश्चन आज के हैं हाउ मेनी सीट्स डज हिमाचल प्रदेश असेंबली हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं तो ये इलेक्शन डेट बारह नवंबर आई है और टोटल सीट्स यहाँ पर सिक्सटी एट हैं यहाँ पर आपकी हिमाचल प्रदेश में सिक्सटी एट सीट्स हाउ वट डज आर्टिकल थ्री ट्वेंटी फोर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टेन टू सो के सो यहाँ पर तीन सौ चौबीस जो आर्टिकल है वो आपका संबंधित है इलेक्शन से ओके okay, ओकेक्शन so से फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस प्रोवाइडेड अंडर 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो इलेक्शन से जुड़ी हुई यहाँ पर आर्टिकल 324 है आपका एंड uh, 2020 ट्वेंटी विथ फार्मास्यूटिकल कंपनी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ 13 चिल्ड्रन जम्मू कश्मीर में यहाँ पर हाल ही में 2020 का एक आर्टिकल यहाँ पर जुड़ा मिला हिंदू में उसमें बात की गई थी और ये आपका कब सिर्फ जो कि बनाया जाता है डिजिटल विजन ने तेरह बच्चों की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी जिसमें उनके एक पर्टिकुलर एक टाइप ऑफ कुछ ड्रग पाया गया था जिससे उनकी मृत्यु हुई थी सो so, ये था आपका डिजिटल विजन नाम की कंपनी यूनियन गवर्नमेंट आई स्कीम अकर्स अंडर विच मिनिस्ट्री के तहत यहाँ पर काम करती है और ये यहाँ पर काम करती है सेमीकंडक्टर मिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक प्रोग्राम है ए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत काम करती है ये आर्टिकल पूरा पूरा खाया था ओके okay, सो so मेरे दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था उम्मीद करता सेशन पसंद नहीं आया होगा फिर भी जो जैसा भी लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में ग्यारह बजे मुलाकात करते हैं दस मिनट बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लेक्चर में जो कि आपका अनकेडमी के बैंक एग्जीक्यूटिव चैनल पर रहता है अकेडमी का एक यूट्यूब चैनल है अनकेडमी बैंक एग्जीक्यूटिव वहाँ पर मैं डेली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ करवाता हूँ आपके लिए आज भी वहाँ पर न्यूज़ होंगी अच्छे लेवल की न्यूज़ होती है आपके एग्जाम जो बैंक एग्ज़ाम बच्चा दे रहा है उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है ये न्यूज़ बाकी जो जैब कैब की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है क्योंकि उनके एग्ज़ाम भी आते हैं और इवन प्रमोशनल एग्जाम्स में भी जो मैं इस सेगमेंट में यूज कराता हूं वो आपके पूछी जाती है तो आप ये डेली बेसिस पर दस मिनट का सेशन जरूर देखा कीजिए स्किप मत किया कीजिए टिल देन टेक केयर बाय एंड सी 10 मिनट्स